that, एक के बाद एडल जरूर साहब आएंगे, आए और आपने गिफ्ट पेश करें। इसके बाद एडल लता और उनकी मिसेज मेहमान है जिन्होंने गिफ्ट देना है, वो उस लाइन में आ जाए और नंबर के हिसाब से मैं लाता जाऊंगा। इसके बाद एडर मेहरान और उनकी मिसेज वेरी गुड ठीक 5 से 6 मिनट तक हम अपना सारा प्रोग्राम बाया तकनीक तक पहुंचा देंगे खुदा के फजल से। पास्टर साहब के जितने भी रिलेटिव हैं प्लीज वो अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे, क्रिसिया के बाद उनको सूसी दावत दी जाएगी। वेरी गुड अंकल रहमत जो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं और चर्च का बहुत ज्यादा काम करते हैं, यासर सोया वो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, प्लीज वो भी आ रहे। वेरी गुड जो लोग तो अपना गिफ्ट देते जाते हैं वो प्लीज पीछे हटते जाए, बहुत अच्छा जी, जो जो लोग गिफ्ट देते जाते हैं वो प्लीज पीछे हटते जाए। वेरी गुड और भी जो लोग हैं वो आ जाए प्लीज, आप सबकी बड़ी मेहरबानी। अगर कोई बहन भाई बेटी बेटा कोई गिफ्ट लाया है तो प्लीज वो आगे आ जाए। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लगाई मेरी बका के लिए, दिल से सुनर गुजारना अपने खुदा के लिए।
के ताउन के साथ आज की इस बड़ी इबादत और प्रोग्राम को प्रिंस ऑफ पीस प्रेस्बिटेरियन चर्च की सेशन ने उसका इनकार किया है और आप के ताउन के हमेशा हम शुक्रगुजार हैं। अभी अजीजो मौका है कि हम अपने मेहमानों को आर पहना कर वेलकम करें और मैं तमाम एल्डर साहिबान जो बाहर हैं, एल्डर अलादिता, एल्डर जहूर हुसैन, उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने तशरीफ लाएं। एल्डर जहूर हुसैन, एल्डर अलादिता, एल्डर उमरान, एल्डर रफीक हुसैन अंदर मौजूद हैं। एल्डर साहिबान को बुलाएं सब, ताकि आज हम रवायती अंदाज में जिस तरह हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं उन्हें वेलकम करेंगे। उसके बाद तलावत होगी और खुदावंद के खादिम रेवरेंड डॉक्टर मजीदेबल जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के सबका मॉडरेटर भी रहे हैं और
मौजूदा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में वो अमेरिका से आए और उन्होंने पीसीबी के मॉनिटर रेवरेंट आदर्श सराज और नामवर पास्टर रेवरेंट सावरकुल और तमाम पीसीबी के जो पास्टर्स थे उन्होंने मिलकर डॉक्टर साहब की सुपरविजन में जड़ावाला क्लिसिया में 30 लाख रुपए का रिलीफ पर किया और वो 31 की रात को पाकिस्तान आए और पहली को हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी फैसलाबाद में और आराम किए बगैर बड़े बोझ के साथ वो जड़ावाला की क्लिसिया को मिलने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने जो तमाम पासवान थे मुख्तलिफ क्लिसियाओं के जिनकी क्लिसिया मुतासर हुई थी उन्हें एक शादी हॉल में बुलाया गया, उनसे क्लिसियाओं के नाम लिए गए और हर खानदान को 30,000 रुपया देकर 30 लाख रुपये का और बेशुमार सूट जो थे वह खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डॉक्टर जीनोबल जो इंटरफेस के डिपार्टमेंट में भी सरगर्म हैं और हमारे बड़े भाई हैं जो लगा चर्च के पासवान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने तशरीफ लाएं और एज रफीक मसीह उनके गले में हाथ डाल कर उन्हें वेलकम करें। बड़ी शख्सियत रेवरेंड हुरूम हक साहब जो पीसीबी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और मौजूदा लाहौर प्रेस्बिटेरियन के वाइस मॉडरेटर हैं, नौलखा नवारोड प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर इंचार्ज हैं और उनकी सुपरविजन में मेरा पहला ऑर्डिनेशन मुसी शाह चर्च में हुआ जहां मैंने 16 साल खिदमत की। मेरी दरख्वास्त है वो सामने तशरीफ लाएं। हमारे भाई साहब केन गार्डनर जो कि पेशे के अखबार से एक वकील हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर क्लिसिया की लीगल जो है वो रहनुमाई की, खासतौर पर हमारे कलोनी प्रेस्बिटेरियन चर्च में जब कानूनी तौर पर रहनुमाई की जरूरत थी उन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमात पेश की। वो मेरे दोस्त हैं और ये खानदान जो है ये इनके वालिद साहब भी वकील थे, इनके बड़े भाई भी वकील हैं, ये खुद भी वकील हैं और मेरी दरख्वास्त पर आज वो हमारे दरमियान इस इबादत में शरीक है, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे और आप तशरीफ लाएं। एडवोकेट साहब के अंदर और अलग का जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके गले में हाथ डालकर उन्हें वेलकम करें। अलीशा जो खुदा के खादिम हैं और गुज़श्ता आपको इल्म है कि दिनों में उन्होंने इसी चर्च में खुदा का कलाम सुनाया, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है, उनसे दरख्वास्त है वो तशरीफ लाएं और हमारे दरमियान एक और खुदा के खादिम शेफर्ड शहजाद वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और पुलिस के महकमे में भी वो काम कर रहे हैं, इसके साथ ही वो खुदा के कलाम को भी सीख रहे हैं, उनसे दरबार से वो भी तशरीफ लाएं। एल्डर उमरान उनके गले में हाथ डालकर उन्हें वेलकम करें। Thank you.
इस नील कोड को रिकॉग्नाइज करेंगे जो खिदमत के मैदान में पेश पेश है। उनसे दुखात है वो तशरीफ लाए और हमारे जज की जो एल्डर साहिबा है इस डेलीगेशन ऑफ नील को उनके घर में हाथ डाल मेरे जिदो आज के बाद हमारे बहुत ही सीनियर पास्टर डॉक्टर जीदेवर साहब, मैं दावा देता हूं उनको कि वो आए और आज का जो खुदावंद ने उनको तोड़ा दिया है वो हम सब से शेयर करें। आप सब की भरपूर तालियों में प्लीज डॉक्टर जीदेवर साहब। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हमें दोस्तों में भी ये बात मशहूर है, हम अक्सर करते हैं कि हमें पादरी शहजादा खुरम का हुक्म मानना पड़ता है। ये ठीक है जी, थैंक यू। हमें पादरी शहजादा खुरम साहब का हुक्म मानना पड़ता है। और जब उन्होंने, मैं अभी अमेरिका में था तो उनको फोन आया और उन्हें बताया इस इबादत के बारे में, खुशी भी हुई। यकीनन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, उनके सारे हम खिदमत दोस्तों के लिए भी ये बहुत बरकत का बायस है, क्योंकि हमने जब उनकी खिदमत शुरू हुई उस वक्त से लेके उनके साथ रहे हैं और उनको काम करते खिदमत करते देखा है। और खुदा के हाथों में, खुदा की खिदमत के लिए उनकी मुअस्सर खिदमत को रवान चढ़ते, तरक्की करते, तब्दील करते माहौल को, लोगों की जिंदगियों को, कलीसियाओं को देखा है। तो हमें पादरी शहजादा खुरम साहब और उनकी फैमिली बहुत ही पसंद है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे हल्का अहबाब में हैं। और मैं इस खूबसूरत कलीसिया के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है पादरी साहब, मैं एक बात और बता दूँ, आप यही कन्वेंशन पे आए थे, आप इसी कलीसिया में कन्वेंशन पे पैगाम लेने आए थे जहाँ से आपका सफर शुरू हुआ, तो मैं बता दूँ ये सब। ओके, तो पादरी साहब की दावत पर यहाँ कन्वेंशन में कलाम सुनाने आए थे। और उस वक्त जो मिसेस शहजादा मुरम है वो ना सिर्फ उस वक्त भी खिदमत में पेश पेश थी बल्कि क्वायर में उनकी बहुत खिदमत थी। और यहीं से फिर पासवान की, उस वक्त के पासवान की ब्लेसिंग से ये खानदान जो है इसकी बुनियाद रखी है। सो इस कलीसिया के साथ पादरी साहब का कदीम बड़ा गहरा ताल्लुक है, और गहरा हो गया जब पादरी साहब की खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस्बिटरी ने पादरी साहब को यहाँ पर, पादरी शहजादापुरम साहब को यहाँ पर बुलाया खिदमत के लिए। वो आसान दिन नहीं थे। पादरी शहजादापुरम साहब की खिदमत का एक और पहलू ये रहा है कि जहाँ पर भी ज़्यादा मुश्किल काम होता था हम इन्हें वहाँ भेजते थे। मिसी शाह चर्च में आज भी मुझे याद है, पादरी साहब को भी याद होगा, तो वो पासवानों के लिए बहुत मुश्किल इलाका था और मुश्किल था। हम सोचते थे कि शायद कभी कोई पासवान वहाँ पर टिक के खिदमत नहीं कर सकेंगे। और पादरी शहजादापुरम साहब को जब हमने वहाँ भेजा, 16 बरस उन्होंने वहाँ पर खिदमत की और उस कलीसिया का रवैया, उस कलीसिया का नक्शा उन्होंने बदल के रख दिया। और जब उन्होंने वहाँ से वो ट्रांसफर हुए इस कलीसिया में, तो उस कलीसिया के लोगों को रोते आंसू बहाते हमने देखा, और इस कदर इस खानदान को प्यार करते। और उसके बाद से लेके आज तक वो कलीसिया जो है वो मजबूत पैरों पे
आगे बढ़ रही है और जो भी कादम वहाँ जाते हैं वो कलीसिया के लिए बरकत का बायस बनती है। और इसी तरह से इस कलीसिया में भी हम देखते हैं कि ना सिर्फ हमें आप कलीसिया के लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आती है बल्कि इबादत का भी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। और तो पादरी मुखाक साहब आपकी मॉडरेटरशिप में ये जो ऑर्डिनेशन हुआ था मुझे याद है आपने प्लान की खिदमत भी वहाँ पर की थी। तो ये बीज जो बोया था ये दोस्तों के लिए भी फख्र का बायस और खुदा के जिंदा पाक नाम के लिए जलाल का बायस है। 25 साल अभी वो दोनों मियाँ बीवी खुद भी 25 साल के लगते हैं लेकिन 25 साल खिदमत हो गई खुदा के इसके लिए बहुत बहुत शुक्र हो। हम जानते हैं कि किस तरह से उतार चढ़ाव में से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं खुदा के कलाम में से कुछ ख्याल आपके सामने रखूँगा ताकि खुदा का कलाम हमें बरकत बख्शे ताकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करे खुदा का कलाम हमें तैयार करे उस बरकत के लिए जो खुदा हम सबको देना चाहते हैं। ये हमारी खिदमत में कलाम पेश नहीं किया जा रहा हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद की हदायत हमें बख्शी जा रही हमारी बरकत के लिए हमारी नस्लों की बेहतरी के लिए। इसलिए आइए चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के कलाम पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान जो उनके रिकॉर्डेड सर्मन्स वो जगह जगह जाते थे मुनादी करते थे तालीम देते थे उनमें से जो रिकॉर्ड हुआ सर्मन वो मुबारकबादियों में है और वो मुबारकबादियों ही से वो जो सर्मन ऑन द माउंट है मुबारकबादियों से शुरू होता है। बाबरकत जिंदगी कैसे गुजारी जाए बाबरकत जिंदगी क्या होती है और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत हमारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद क्या है ब्लेस्ड लाइफ बाबरकत जिंदगी ऐसी जिंदगी जो खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक हो ऐसी जिंदगी जिस पर खुदा की फेवर आ जाए जो खुदा की नजर में पसंदीदा हो जाए और जो खुदा की तरफ से ठहरा दी जाए कि वो एक हैप्पी लाइफ है। ये जो लफ्ज मुबारक है बहुत खूबसूरत लफ्ज जो इसके साथ सफर जुड़ा है वो ये है क्योंकि हर इंसान खुशी चाहता है। कौन है जो खुश होना नहीं चाहता कौन है जो ब्लेस्ड नहीं होना चाहता लेकिन हर वो शख्स जो खुशी पाना चाहता है उनकी नजर में खुशी के मुख्तलिफ मेयार है। कोई शख्स रुपए पैसे को अपनी खुशी समझता है कोई शख्स अच्छा घर बना ले नई गाड़ी ले ले उसको अपनी खुशी समझता है लेकिन खुदा का कलाम हमें इससे बहुत आगे लेकर जाता है और वो खुदा की फेवर पाना सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये जबूर जो आज तलावत किया गया ये भी इसी खूबसूरत लफ्ज से शुरू होता है। मुबारक लफ्ज इब्रानी में यूनानी में खूबसूरत मानी इसका मतलब यह है कि खुशी का वो मुकाम खुशी की वो जगह जहां से आगे खुशी का कोई तसव्वुर ही ना किया जा सके उससे आगे खुशी का कोई सोच ही मौजूद ना इस कदर बड़ी खुशी। सो मुबारक है हर एक जो खुदावंद से खुदावन से डरने का मतलब आप समझते हैं जो खुदा के हुक्मों पर चलता है। अगर हम कानून से डरते हैं तो हम कानून तोड़ने से डरेंगे अगर हम माँ बाप से डरते हैं तो हम उनकी बातों पर अमल करेंगे अगर हम खुदा से डरते हैं तो हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले लोग।
अगर हम इस लफ्ज की रूट में भी जाएं, तो उसका एक बहुत ही गहरा मतलब यह है कि ऐसे लोग जो खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, जो खुदा से डरते हैं, दरअसल उनकी जिंदगियां जो है खुदा की खुशबू बन जाती है। जिस तरह पौलुस जिक्र करते हैं, मसीह के खुले खत है, मुबारक है वो जो खुदा से डरता है, जिसके अंदर खुदा का खौफ है, उसकी जिंदगी से खुदा की खुशबू निकलती है, क्योंकि उसके अंदर खुदा के हुक्म काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर खुदा की प्रेजेंस मौजूद है, और वो जहां खड़ा होगा वहीं से खुदा की रोशनी, खुदा का जलाल, खुदा की खुशबू वहां से रिफ्लेक्ट निकलेगी, फ्लो करेगी। तो जहां पर भी खुदा का मुबारक बंदा खड़ा होगा, वहां पर उसका फल नजर आ जाएगा। मूसा जब खुदा के साथ बातें करता था, तो खुदा का जलाल मूसा के चेहरे से नजर आना शुरू हो गया, और इस कदर वो रोशन हो गया कि लोग उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, इसलिए मूसा को अपने चेहरे पे नकाब लगाना पड़ता। जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहना सीखेंगे, जब हम खुदा के खौफ में चलना शुरू होंगे, तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होगा, खुदा के बख्शे हुए फल उस जिंदगी से नजर आएंगे। मैं अपने भाई को उनकी खिदमत के लिए, उनकी वफादारी के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम जहां वो खुदा के नाम से खड़ा होता है, वहां पर हम खुदा की बख्शी हुई नेमते खुदा का दिया हुआ फल देख सकते हैं। हम उनकी जिंदगी में भी, उनकी कलीसिया में भी, और उनके हल्का अखबार में भी, वी कैन सी, वी नो कि ये शख्स खुदा का बंदा है। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। ऐसे हो नहीं सकता कि हम कहें हम खुदा से डरते हैं लेकिन राहें हमने अपनी चुनी। ऐसे हो नहीं सकता कि मैं कहूं खुदावंद मैं तेरा हूं लेकिन ये जुबान मेरी है, इसे मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूं। खुदावंद मैं तेरा हूं लेकिन ये हाथ मेरे हैं, इन्हें मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूं। ऐसे हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो हम मुबारक नहीं हो सकते। और फिर आगे दो तीन एरियाज हैं जहां पे हमें वो बरकतें नजर आती हैं जो इस बात के साथ जुड़ी है कि हम खुदा से डरते हैं या नहीं डरते हैं। अच्छा, आज जो मैंने खुदा का कलाम सुना था, मैं उसके ऊपर कल अमल कर लूंगा, आज तो मैं अपनी मर्जी करूं, आज तो मैं जाके अपने घर में सब की ऐसी कितना सी कर दूंगा, कल देखी जाएगा। ये खुदा के लोगों का तरीक नहीं है, ये खुदा की प्रेजेंस का सबूत नहीं है, ये खुदा की राह पे चलने का सबूत नहीं है। खुदा का खादम होना एक बहुत 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 बड़ा एजाज है। इंसान जो अपने लिए बड़े से बड़ा एजाज दुनिया में रह के सोच सकता है, फौजी देखें ये तमगे पाने के लिए अपनी जाने तक कुर्बान करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं अपनी, जो उन्होंने टारगेट सेट किया होता है वो हासिल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा एजाज किसी शख्स के लिए ये है कि खुदा उसको चुने और मुकर्रर करे अपनी खिदमत के लिए। आपको याद है जब खुदावंद यीशु मसीह ने पत्रस को मुकर्रर किया, पत्रस जो मसीह के मसलूबियत से पहले तीन दफा उनका इनकार कर चुका था, जब मसीह के जीवने के बाद वो मसीह को मिला, उसने मसीह यीशु के साथ नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद खुदावंद ने उसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, पत्रस क्या तू मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करता है? उसने कहा, खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। खुदावंद का सवाल क्या था कि क्या तू मुझे क्या करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता मुझसे? उसका जवाब क्या था कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। ये अजीज जो है ये मोहब्बत से थोड़ी नीचे की डिग्री,
आई लव यू एंड यू आर डियर टू मी। मसीह ने फिर उससे पूछा, पत्रस, क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है? खुदावन तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। बड़ा तेरे भाई, इन लफ्जों पे बहुत ठीक है। फिर तीसरी दफा मसीह ने उससे पूछा, पत्रस, क्या तू मुझे, अब मसीह ने अपना वर्ड चेंज किया, अजीज रखता है? उसने कहा, खुदावन तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, मेरी भेड़ें चरा। ये इंटरव्यू था पत्रस का, जॉब इंटरव्यू था। जॉब क्या थी? खुदावन यीशु मसीह की भेड़ें चराना थी। इंटरव्यू कौन ले रहा था? खुदावन यीशु मसीह ले रहा। आसान काम नहीं है खुदावन यीशु मसीह से इंटरव्यू में कामयाब होना। ये जो पासवान है, ये जो खादम खुदा ने मुकर्रर किए हैं, इसलिए कलाम कहता है कि वो दो चंद इज्जत के लायक है, क्योंकि उन्हें मुकर्रर करने वाला हम सबका खुदावन खालिक मालिक यीशु है। कोई आम शख्स नहीं है जिसने उन्हें मुकर्रर किया है। हम बहुत आसानी से खादिमों पे तंकीद करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, हम उनको सुनते रहते हैं जगह जगह खड़े होकर, लेकिन याद रखें उनको मुकर्रर करने वाला कौन है। मैं उनकी बात नहीं करता जो पासवानों की गवाही खराब करते हैं और बाइबल बगल में देके चल पड़ते हैं पासवान के तौर पे उनको दिखाने के लिए। खुदा बचाए ऐसे लोगों से, लेकिन खुदा का शुक्र हो ऐसे खादिमों के लिए जो संजीदा खादिम है, जिनकी जिंदगियां वक्फ है मसीह यीशु की दी हुई बुलावे को उसके ऊपर चलने और उस पर काम करने के लिए। खुदा का शुक्र हो ऐसे लोगों के लिए जो दस्तियाब हैं कलीसियाओं को, जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं कि वो मसीह की दी हुई जिम्मेदारी को वफादारी से पूरा कर सके। हमें कभी मसीह की आवाज ऐसी आई है, क्या तू मुझे प्यार करता है? बहुत दफा मैंने लोगों से ऐसी गुफ्तगू की है और मुझे लगता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं तो इस काबिल नहीं हूं। पत्रस को भी लगता है, मसीह ने कहा तुझे प्यार करता है, कहता है मैं तुझे अजीज रखता हूं, उससे जरा नीचे की डिग्री को, उस काबिल नहीं था। फिर मसीह ने कहा तू मुझे प्यार करता, उसने कहा मैं तुझे अजीज रखता हूं। फिर मसीह ने कहा कि क्या तुझे मैं अजीज रखता है? देखिए, खुदा हमारे साथ कम्युनिकेट कर लेता है। खुदा हमारी जहां हम होते हैं, अगर हम उस तक नहीं पहुंचते तो वो हम तक आ जाता है। पत्रस अजीज तक था, मसीह यीशु अजीज पे आ गया। अजीज रखता हूं, मेरी भेड़ें चरा, मेरे साथ चल, मोहब्बत वाले मुकाम में मैं खुद तुझे ले आऊंगा। आमीन। हम उसके साथ चलना शुरू करेंगे, हम उसके पीछे चलना शुरू करेंगे, उसकी राह को अपनाएंगे, तो उस मियार को वो खुद हमें ले आएगा जो मियार उसे पसंद है। खुदावन्द यीशु मसीह मुझे और आप सबको किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी कैंडल में, किसी को उस्ताद, किसी को कि कोई नर्स, कोई बिजनेसमैन, तो कुछ कुछ बुला। अगर हम समझते हैं कि हम उसके लोग हैं, तो जो भी हम करेंगे हम उसके बुलावे के मुताबिक करेंगे। और टारगेट हमारा क्या होगा कि जहां भी हम उसके साथ शुरू करेंगे, हम उससे और नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि उसके साथ मिलकर अपना ऊपर वहां तक आएंगे जहां वो हमें लाना चाहते हैं। चाहे तो मुझे अजीज रखते हैं, चाहे उधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें। जहां भी हम हैं, अपने आप को यीशु के हाथ में दे दें, फिर वो आपको वहां ले आएगा जहां आपकी सोच रहे हैं। खुदा का शुक्र हो हमारे इस भाई के लिए, इनकी वफादार खिदमत के लिए, बहन के लिए जो उनके साथ जाना बजाना है, इनके बच्चों के लिए। यहाँ पे चंद बरकतों का जिक्र है, मैं बड़े इख्तिसार से उनका जिक्र करूंगा। सो पहला हिस्सा जो है वो ब्लेसिंग्स की का जिक्र, कौन सी बरकतें। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, मतलब ये है तू मुबारक और सादत मंद होगा। इसका मतलब ये है
कि खुदा तेरे काम को बरकत बख्शेगा। जो काम तू करेगा जहां तू खड़ा होगा वहां पर फल नजर आएगा। खुदा तुझे ताकत बख्शेगा, खुदा तुझे कायम रखेगा, खुदा तुझे माजूरी से बचा कर रखेगा। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, मांगकर नहीं, धोखा देकर नहीं, फरेब से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से और खुदा की दिव्य ब्लेसिंग से कायम रहेगा। ऐसा ही फल है जो देर पा होता है, जो दूर तक हमारे साथ चलता है। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होगी। मतलब ये है कि ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बाबरकत होगी बल्कि उसके घराने में वो बरकत नजर आएगी, उसके खानदान में वो ब्लेसिंग नजर आएगी। खुदा जब हमारे साथ चलता है तो सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारी नस्लें भी बाबरकत रहती हैं। ये बड़ा खूबसूरत कांसेप्ट है, यहाँ तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की तरह हो। ये जो मिडल ईस्ट में जैतून का पौधा है इसकी बड़ी कदर है, इससे बड़ा अच्छा कारोबार चलता है, बड़ा इससे फायदे होते हैं। और एक पौधा साल हर साल फल देता है, और होता ही है कि एक पौधा जब बड़ा होता है उसको बड़े साल लगते हैं बड़ा होने में, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो बहुत फलदार बनता है। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ों से नए पौधे निकलने शुरू होते हैं। उन पौधों को भी बड़ा होने में बड़ी देर लगती है, लेकिन वो बहुत फायदेमंद, प्रॉफिटेबल, बड़े नफे का बायस होते हैं। और ज़बूर नबी कहता है कि खुदा की ब्लेसिंग जो है वो तेरे से गिनी नहीं जाएगी। ना सिर्फ तू खुद जैतून का पौधा होगा बल्कि तेरी औलाद भी जैतून के पौधों की मानद होगी, वो भी जड़ों से निकलेंगे और वो मैच्योर होंगे और बरकत का बायस होंगे। उनकी जिंदगी में भी ये फल नजर आएगा, वो फल ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके वालदैन के लिए भी बरकत का बायस होगा। खुदा के पास ब्लेसिंग की कमी नहीं, अगर हम वफादार होकर उसके साथ चलना शुरू करें। और ये भी जरूरी नहीं कि हम बहुत ऊंचे मुकाम पे उसके साथ चलेंगे, जहां पे भी हैं वहीं से हम उसके साथ शुरू करेंगे और वो खुद हमें ऊपर ले आएगा। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। ये ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग है कि खुदा की फेवर उस शख्स पे ठहर जाए, जिस शख्स पे खुदा की फेवर ठहर जाए दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई इख्तियार उसको ब्लेस होने से रोक नहीं सकता। उसको दी हुई बरकत जो है वो चट्टानों को दरारे करके उसमें से निकल आएगी, रोक नहीं सकेगी उसे। ऐसी बरकत किसको मिलेगी? बहुत ही स्ट्रेट बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि हम सिर्फ बाइबल मुकद्दस को अपने घर में रख के भूल ना जाएं, हम सिर्फ खुदा का आपको कह के क्या मसीह है और फिर भूल ना जाएं कि मसीह की जिम्मेदारी क्या है। ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सय्यून में तुझको बरकत दे, ये बरकत जो है ना सिर्फ उसकी शख्सी जिंदगी में, ना सिर्फ उसकी खानदानी जिंदगी में, बल्कि अब उसकी कौम का भी जिक्र, उसकी कौम के लिए भी, उसकी कलीसिया के लिए भी बरकत का बायस है जो खुदावन से डरता है। खुदावन सय्यून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई दे। ये कौमी नेशनल ब्लेसिंग उसी शख्स के वसीले जो खुदा से डरता है वो अपनी कौम के लिए भी बरकत का बायस बनता है। बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन खुदा की बरकत इस कदर बकसत है, इस कदर ज्यादा है, वो खत्म नहीं हो सकती है, वो नस्ल दर नस्ल चलेगी। इस बरकत को पहचानने की जरूरत है,
इस बरकत के लिए खड़ा होने के लिए। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत खादिम के लिए, इनके घराने के लिए और इस कलीसिया के लिए जहाँ ये खिदमत करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा का कलाम आपको संभाले। ये शुक्रगुजारी जो आज की जाती है कि खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरे और खुदा का खादिम पहले से भी ज़्यादा कुव्वत के साथ, दलेरी के साथ खुदा उनकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मेरे जीरो इससे पिछतर के मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मैं भी छोटा सा इस बात के साथ ही ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बरकत ये है कि खुदाओं के बहुत बड़े खादिम डॉक्टर जी देवल साहब, बादशाह करुण साहब की तारीफ कर रहे हैं और आज का कलाम भी सारा उनकी तारीफ में है। खुदाओं को उनको बहुत बरकत दे और अपने बंदे को और ज्यादा इज्जत और जलाल बख्शे। आंखे बंद करके पूरा की हुजूरी का कामिल एहसास करते हुए जो बातें हम हवा में नहीं करते, हम अपने खुदा के साथ बात करते हैं। दुआ मांगी दुनिया के बादशाह, तू खुदावंदों का खुदावंद, तू लश्करों का रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार तू ही है जो अपने फजल से और अपने कलाम से हमें संभालता है। तू दिन रात अपनी बरकत नेमते हम पे निछावर करता है, तेरे नाम को जला देते, तेरी तारीफ करते, तेरी तकदीस करते हैं। आज के दिन हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं खुदा, तेरे खादम अपने भाई खुरम साहेब और उनके सारे घराने के लिए जिन्हें तूने अपनी पाक मर्जी के मुताबिक अपनी खिदमत के लिए चुना, उन्होंने इसके लिए तालीम हासिल की, मेहनत की और तेरी रहनुमाई में चलते चलते कलीसियाओं में बाबरकत काम करते रहे। तेरे सारी चुनाव के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और उन सारी बरकतों में तू रोज बरोज गुज़श्ता सारी जिंदगी में अदा करता रहा, हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। खुदावंदा ये कलीसिया तेरी तरफ से खुदावंदा उनके सुपुर्द हुई है और वो इसमें खिदमत सर अंजाम देते हैं मेहनत के साथ, दिल लगी के साथ। इस सारे रोया के लिए तेरा शुक्र हो, सारे काम जो यहाँ पे करते हैं उसके लिए तेरे शुक्र। आज जो गुलाम इस खास मौके पर हमारे सामने आया उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे खादम के लिए और ज़्यादा बरकत की दुआ करते हैं और खुदा खुदा अपने कलाम के भेद पे और ज़्यादा खोलता रहे। जो बातें उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ शेयर की हमें उन्हें कबूल करने का और उन पर अमल करने का फ़र्ज़ हमेशा हमेशा अता किए रख। तेरी बरकत में जिंदगी गुजारना सीखे हम। बाप आज के सारे वक्त को तेरे हवाले करते हैं, तेरे सुपुर्द करते हैं। जो कुछ भी इस इबादत में इस तकरीब के तौर पर सर अंजाम दिया जाता है तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और सब कुछ के वसीले से तेरी इज्जत हो और तेरे नाम को जलाल मिले। मैं तेरा खादम अपने हाथ उठाकर अपने इस जवान खादम को बरकत देता हूँ और ज़्यादा बाबरकत होकर तेरी कलीसिया की खिदमत पूरे जोर के साथ, पूरी हिम्मत ताकत के साथ और तेरी मदद के साथ करता रहे। बाबरकत खिदमत हमेशा उसका फल रहे। खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।